जय हिंद डिफेंस एक्सपर्ट्स, मैं दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा किया करती है, और ये सिक्योरिटी एनहेंस होती है हेलीकॉप्टर्स की मदद से। हेलीकॉप्टर्स के कई वेरियंट्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर वन पर आता है भारत के द्वारा बनाया गया HAL ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका रोल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का है और इसको कॉम्बैट रोल्स में हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत की महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसको चलाने के लिए टोटल दो पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पायलट, को पायलट या फिर गनर की आवश्यकता से इसको हम फ्लाई करते हैं। इसकी ओवरऑल लेंथ 15.87 मीटर की है, हाइट 4.98 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 295 किलोमीटर पर आर तक की ये अटेन कर सकती है, और इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम 630 किलोमीटर की रेंज को आसानी से अटेन कर पाते हैं। इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सेलिंग हाइट 6096 मीटर की है, जो कि इसको काफी बेहतरीन हेलीकॉप्टर हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस का बनाता है। आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें हमारी HAL, DRDO और अदर एजेंसीज के द्वारा 20mm की टरेट गन, 70mm रॉकेट पॉड्स, एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगाई गई है। साथ ही साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से एलिना एंटी टैंक गाइड मिसाइल भी फायर की जा सकती है, और इससे ध्रुव हेलीकॉप्टर की जो कैपेबिलिटी है उसको और भी बूस्टअप मिला करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये मल्टी रोल फंक्शन, जिसमें रिकनेसेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें, और SSB क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अटैक हेलीकॉप्टर है भारत का बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें पायलट को पायलट के द्वारा इसको क्रू किया जाता है। इसकी टोटल लेंथ 17.73 मीटर की है, हाइट 3.87 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 293 किलोमीटर पर आर की ये अटेन कर सकती है, और इस हेलीकॉप्टर की रेंज 476 किलोमीटर है। सर्विस सेलिंग हाइट 6400 मीटर की है, और ये दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू खतरनाक हेलीकॉप्टर है। इसमें आर्मामेंट में 30mm के M230 चेन गन, AGM-114 हेलफायर मिसाइल, HYDRA-70 रॉकेट पॉड्स, AIM-92 स्टिंजर के एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसका यूज एडवांस सेंसर, रडार सिस्टम, जिसमें आपका एवियोनिक्स डे नाइट ऑपरेशंस आते हैं, और ये हमारे आर्म फोर्सेस को बैटल फील्ड में सर्वेलेंस के साथ बेहतरीन अटैक कैपेबिलिटी दिया करता है। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर है MIL-MI-35, जिसको MiG-35 के नाम से जानते हैं। रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, और ये कैपेबल है ट्रांसपोर्ट ट्रूप करने में, और ये अटैक हेलीकॉप्टर के साथ एक ट्रूप ट्रांसपोर्ट का भी एयरक्राफ्ट है। इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट की है। इसमें पायलट को पायलट के द्वारा इसको फ्लाई करवाया जाता है। इसकी ओवरऑल लेंथ 21.6 मीटर की, हाइट 6.5 मीटर, मैक्सिमम स्पीड ये 310 किलोमीटर पर आर देता है, जो कि काफी तेज से चलने वाला ये भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है। मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर आर की है, और सर्विस सेलिंग हाइट ये 4500 मीटर की अटेन कर सकता है। इसमें रशिया ने 23mm के ट्विन बैरल कैनन, 86 स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, S-8 रॉकेट पॉड्स, 9M-114 शूट्रोन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स आपके लगाए गए हैं। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन पैक है अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। अगर इसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं तो इसमें हम 8 सोल्जर्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह कॉम्बैट मिशंस के लिए पहुंचा सकते हैं। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है, और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है भारत का HAL-LCH प्रचंड। ये 2022 में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसको भारत की कंपनी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमारी एयरफोर्स और आर्मी के लिए डिजाइन मैन्युफैक्चर किया हुआ है। इसका रोल अटैक हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए किया जाता है। मेनली सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख की तरफ इसको डिप्लॉय किया गया है और टोटल 156 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का ऑर्डर आर्मी एयरफोर्स ने मिलकर HAL को दिया हुआ है। टोटल 2 क्रू मेंबर्स इसको फ्लाई करने में लगते हैं। इसकी लेंथ 15.8 मीटर की है, हाइट 4.7 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आर, रेंज 550 किलोमीटर पर आर। और सर्विस सेलिंग हाइट की बात करें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्विस सेलिंग हाइट इसकी है, यानी कि 6500 मीटर। आर्मामेंट इसमें 20mm की टरेट गन, 70mm का रॉकेट पॉड, मिस्टल एयर टू एयर मिसाइल और हेलिना NT-10 गाइडेड मिसाइल भी इसमें आपका लगाया गया है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में देखें तो दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर हम इसको कह सकते हैं। और लास्ट यानी कि टॉप 5 पर आता है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। ये भी एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर है जिसका यूज हमारे इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। ये एक मल्टी रोल मैरिटाइम हेलीकॉप्टर है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन सरफेस वॉरफेयर के रोल में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट है जो कि एक लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडियरी है। इसमें टोटल 4 क्रू मेंबर्स लगते हैं जिसमें पायलट, को पायलट और 2 टेक्निकल ऑपरेटर्स के द्वारा इसको फ्लाई करवाया जाता है। इसकी लेंथ 19.76 मीटर की, हाइट 5.1 मीटर, मैक्सिमम स्पीड 267 किलोमीटर पर आर। इस एयरक्राफ्ट की रेंज 834 किलोमीटर की है जो कि अपने वेरिएंट में सबसे हाई है। सर्विस सेलिंग हाइट 3440 मीटर का है। ये सर्विस सेलिंग हाइट कम इसलिए क्योंकि इसका मेनली यूज हम मैरीटाइम डोमेन में किया करते हैं। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल, Mark-54 टॉर्पीडो, 7.62mm की मशीन गन और एडवांस डिपिंग सोनार, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जैसे प्राइमरी वेपन्स इसमें लगाए गए हैं जो कि इसको पूरे वर्ल्ड में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ पावरफुल अटैक हेलीकॉप्टर बनाता है। तो दोस्तों ये थे भारत के टॉप 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स जिससे हम अपने वायु सीमा की सुरक्षा करते हैं और दुश्मन के ऊपर काल बन के ये हेलीकॉप्टर्स आपके बरसते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार के अन्य इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।